क्लास नाइन्थ ए एम यू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का क्वेश्चन पेपर है तो चलिए आप सभी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड एल्कोहलिक बेवरेजेस तो आपने पढ़ा होगा कि ब्रेड के अंदर यीस्ट यूज होता है तो यीस्ट एक तरह का फंगी है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड तो ये प्रोसेस होता है विनोइंग क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच माइक्रो ऑर्गेनिजम डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा तो कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा जैसे डिजीज होते हैं वायरस से क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द बेस्ट टेक्निक ऑफ़ वाटरिंग द फ्रूट्स प्लांट प्लान्टार्डन्स एंड ट्रीज इज़ ये होती है ड्रिप सिस्टम क्योंकि इससे पानी वेस्ट नहीं होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव फोर चिल्ड्रन वर आज टू अरेंज फोर्सेज ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर देर अरेजमेंट आर गिवेन बिलो चूज द करेक्ट अरेंजमेंट उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वेन आ रबर सकर इज प्रेजेंट ओ प्रेस्ड ऑन अ प्लेन सरफेस देन इट्स स्टिक्स टू द सर्फेस बिकॉज ऑफ द ये होता है प्रेसर ऑफ एटमोसफेयर एक्टिंग ऑन इट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम इज आर तो ह्यूमन के अंदर दो सेक्स सेक्सोमजोम होते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट मेल सेक्स हार्मोन इज तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का होता है एस्ट्रोजन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन डॉली द शीप वॉज प्रोड्यूस्ड बाय तो डॉली शीप को क्लोनिंग टेक्निक से प्रोड्यूस किया गया था क्वेश्चन नंबर फोर्टी ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल आर कॉल्ड तो इन्हें हम कहते हैं यू कैरी ब्लू ग्रीन एल और बै ब्लू ग्रीन एल गी प्रो में आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन न्यूक्लियस कंटेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल तो उन्हें हम कहते हैं क्रोमोजोम क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू बाई रिसाइकलिंग पेपर वी सेव तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एनर्जी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच एन अदर लैंड फॉर लिंग एक्स आर तो ये होती है माइग्रेटरी बर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर विच आर फॉलोइंग फाइबर हैज हाइएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ये होती है नाइलॉन की क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव वॉट रोल डज पेनेसिलिन प्ले इन मेडिसिन तो पेनेसिलिन बैक्टीरिया इन इन्फेक्शन को ट्रीट करता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वट इज प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ तो ये होता है बाइनरी फीजन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन वॉट इज पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन एग्रीकल्चर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन के तीन ऑप्शन सही हैं ए सी और डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच टूल इज़ कॉमनली यूज फॉर सोइंग सीड्स इन रोज तो इसके लिए सीड ड्रिल यूज़ होती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन विस डि डिवाइस सॉरी इज़ यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग तो ये होता है लाइटनिंग कंडक्टर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग थंडर स्ट्रॉन्ग तो थंडर स्ट्रॉग में हमें एक एम्ब्रेला लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन

क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री लाउडनर्स लाउडनेस ऑफ साउंड इज तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्प्टीट्यूड के स्क्वायर के क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर ऑजलेशन पर सेकेंड इज डिफाइंड एज तो ये होती है फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज है स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर डिस्पोजल ऑफ कंडक्टिंग सोल्यूशंस तो ये होती है प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट के लिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स यहाँ से आपके मैथ्स का सेक्शन आता है फैक्टर्स ऑफ रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस सिक्स रूट थ्री आर तो इसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन इन अ फोर्ड देयर इज सफिशियट फूड फॉर वन थाउजेंड मैन 20 ट्वेंटी डेज अफ यू मैन लेफ्ट एंड द फूड लास्टेड फॉर ट्वेंटी फाइव डेज हाउ मैनी मैन लेफ्ट तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टू हंड्रेड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट 56 men can do a piece of work in 42 days. How many men will do the same work in 14 days? So, it's a correct answer of okay. option C 168. Question number 59 Ratio between rates of walking A and B is 3 is to 4. If the time taken by B to cover a certain distance is 24 minutes, time taken by A to cover that much distance is 32 minutes. Question number 60 Unit digit of दिस इज तो ये होगी जीरो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन फाइंड द रिमाइंडर वन दिस इज डिवाइडेड बाई थर्टी फोर तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू सिंप्लीफाई तो इसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई कर सकते थे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन फिफ्टी थ्री अ टी वी वर्थ रुपीज सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड इज ऑफर्ड फॉर सेल एट रुपीज़ फोर थाउजेंड एट हंड्रेड वर्ट परसेंट डिस्काउंट इज ऑफर्ड ड्यूरिंग द सेल तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हंड्रेड बाई थ्री परसेंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर ए बी सी डी से रोहमबस इन विच द एल्टीट्यूड फ्रॉम डी टू साइड ए बी बाई सेक्ट्स ए बी दैन एंगल ए एंड एंगल बी रिस्पेक्टिवली आर तो ये होंगे सिक्सटी डिग्री एंड वन ट्वेंटी डिग्री क्वेश्चन नंबर फाइव फोर एंगल्स ऑफ क्वार आर इन रेशियो थ्री इज टू सेवन इज टू सिक्स इज टू फोर द सम ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वन एट्टी डिग्री क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स अ बैग हैज़ फोर रेड बॉल्स एंड टू येल्लो बॉल्स द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर तो अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्राम द बैग विदाउट टूकिंग इन टू द बैग द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज़ तो देखिए टोटल बॉल है सिक्स और उसमें से रेड रेड बॉल्स हैं फोर तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आएगा टूज बाई थ्री तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन टेबल गेम बिलो शो द डेटा कलेक्टेड बाय टेन वीज वॉकिंग ऑन अ रोड वट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्टीन मिनट्स एज कम्पेयर टू दैट इन टेन मिनट्स तो इसका करेक्ट आंसर in तो है ऑप्शन बी ट्वेंटी फाइव परसेंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डिस्टेंस ऑफ फाइव यूनिट्स फ्राम एक्स एक्सिस एंड सिक्स यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस इज तो एक्स एक्सिस पे फाइव यूनिट्स का डिस्टेंस है तो so, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी सॉरी सी नहीं होगा क्योंकि सी के अंदर एक्स एक्सिस पे सिक्स यूनिट्स का डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वट इज़ द मल्टीप्लीकेटिंग इनवर्स ऑफ जीरो बाय फोर तो अब जब भी किसी कि इसका न्यूमरेटर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज़ीरो हो तो उसका वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड या कह सकते हैं इन्फिनी तो इसका मल्टीप्लीकेट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इफ थ्री बाय फाइव ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स टू बाई सेवन बाई फोर्टी फोर देन वॉट इज द नंबर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वन फोर्टी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन वॉट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेगेटिव इलेवन बाय थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री बाय वॉट नंबर शुड फाइव अपॉन थ्री रेसू दि पवन माइनस टू बी मल्टीप्लाइड सो प्रोडक्ट इज सेवन अपॉन थ्री रेसू दि पॉवर माइनस वन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर वैल्यू ऑफ दिस इज दी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी थ्री क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज नाइनटीन एंड लेंथ ऑफ इ डायगोनल इलेवन द सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज तो ये होगा टू हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर फोर्टी फोर सेंटीमीटर इंटू एटीन सेंटीमीटर इज रोड अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड सिलेंडर इज फाउंड वाट इज द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर तो एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसके डायमेंशन आपको दिए हुए हैं तो रेक्टेंगुलर शीट की जो आप कह सकते हैं जो ब्रेथ होगी ये रेक्टेंगुलर शीट है इसकी जो ये है लेंथ लेंथ है ये सॉरी ये ब्रेथ है ये जब फोल्ड होगा तो वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी और इसका जो ये नीचे वाली जो लेंथ है सॉरी लेंथ तो ये बन जाएगा सिलेंडर का सरकमफेरेंस बेस का जो सरकमफेरेंस है तो उससे आप इसे निकाल सकते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फोर्टीन सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन लेटर सर्फेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज दिस इट इज़ कट अलॉग इट्स हाइट एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ वेट थर्टी टू सेंटीमीटर तेन पेरीमीर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज तो ये होगा ऑप्शन बी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट विच आर द फॉलिंग इंग नोट ट्रेंगुलर नंबर ये है ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन लीज नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रेक्टेड फ्राम सिक्स थाउजेंड सो हैज टू गेट अ परफेक्ट स्कोय आर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेवेंटी वन क्वेश्चन नंबर एट्टी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर इफ़ वॉल्यूम ऑफ़ अ क्यूब इज़ द जीरो पॉइंट जीरो जीरो होगा ऑप्शन बी क्वेश्चन इसे आप आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर एटी थ्री Three by fourth part of number is five more than its two by third part. This statement is in form of an equation is. So correct answer is option C. Question number 84. If the following numbers are arranged in descending order, then which number is in the middle? Numbers are. So it's a correct answer option D. Minus one by six. Question number 85. Additive inverse of minus eleven upon minus twenty five is. So its a correct answer option B. Sorry option D. माइनस इलेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव तो इसके साथ आपका ए एम यू क्लास नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर क्वेश्चन पेपर खत्म होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर